दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कलश। मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गोबरवाई परिसर में बारिश के अभाव में धान की रोपाई लड़खड़ा गई थी। जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है उन्होंने जैसे तैसे धान की रोपाई पूर्ण कर ली थी, परंतु जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है ऐसे किसान बारिश की प्रतीक्षा कर रहे थे। बारिश ना होने के कारण परिसर में धान के रोप सूखने के कगार पर पहुंच गए थे, परंतु हाल ही में कुछ दिनों से नियमित हो रही बारिश के कारण धान के रोप को नई संजीवनी मिल गई है। ऐसे में किसानों ने भी राहत की सांस ली है। फिर से बारिश शुरू होते ही रोपाई के कार्यों में तेजी दिखाई दे रही है। कहीं कहीं मजदूर ना मिलने के कारण किसानों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। बारिश के उपरांत रोपाई के कार्यों में तेजी आने के कारण मजदूरों की भी किल्लत नजर आ रही है। मजदूरों को जुटाने में भी किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछले 3 दिन से क्षेत्र में मानसून सक्रिय हुआ है। 3 दिन से अंचल में अच्छी बारिश हो रही है। इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों ने रोपाई के कार्यों में तेजी लाई है। बुधवार को दोपहर बाद से जारी इस बारिश से न केवल किसान के चेहरे खिल उठे हैं, बल्कि मुरझाई फसल अब खिलने लगी है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। उल्लेखनीय है कि जिले में पिछले एक पखवाड़े से भी अधिक समय से मानसून पूरी तरह से गायब थी। बारिश न होने के कारण किसान परेशान हो गए थे। जमीन में दरारें दिखाई देने लगी थी और धान की रोपे सूखने लगी थी। हालांकि साधन संपन्न किसानों ने कुआं, नहर, मोटर पंप आदि साधनों के बल पर रोपाई कार्य किया, लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन नहीं है उनके सामने समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन श्रावण मास के प्रारंभ होते ही मानसून सक्रिय हुआ है और गत 3 दिन से हो रही रिमझिम बारिश से किसानों के चेहरों पर रंगत लौट आई है। हालांकि किसान अभी भी अच्छी बारिश के इंतजार में है। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।